हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें पिछले कुछ वीडियोज हम आपको क्रियाशील समूहों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपको समझाया जा चुका है एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल अम्ल। ये जो तीनों है, इस तीनों के ग्रुप के जितने सारे भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका नामकरण, उनका अणुसूत्र या फिर उनका संरचना सूत्र कैसे लिखें, इस चीज़ के बारे में हम बता चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में इसमें जो थोड़ा कठिन लगता है उसी के बारे में हम समझाएंगे, लेकिन आपको बड़ा आसान लगेगा कीटोन समूह के कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम समझाने वाले हैं कि कीटोन ग्रुप के जो कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण कैसे करें, कीटोन ग्रुप के जो कार्बनिक यौगिक है उसका मतलब अणुसूत्र और संरचना सूत्र अगर कैसे लिखे हम समझाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो कीटोन है ना, जब क्रियाशील समूह के बारे में समझाना शुरू किए थे तो आपको बताए थे कि कीटोन का अणुसूत्र होता है CO। क्या होता है? CO। तो आप खुद से सोचिए कि जब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे ना, तो कार्बन का एक परमाणु है, कार्बन का कितना परमाणु है? एक ही परमाणु है। और ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो ऑक्सीजन का परमाणु तो डबल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी, उसका संयोजकता दो होता है, तो उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बन की संयोजकता चार होता है, तो ऑक्सीजन से दुईगो ना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जी, कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो एक इधर से बॉन्ड सिंगल खाली रहेगा और एक इधर से सिंगल बॉन्ड खाली रहेगा। ये हो गया कीटोन का संरचना सूत्र। तो इधर भी हाइड्रोकार्बन्स को जोड़ना पड़ेगा और इधर भी हाइड्रोकार्बन्स को जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको हाइड्रोकार्बन्स जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये आप बन पाएगा। तो देखिए, यहाँ कीटोन समूह के कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भाई इसका नामकरण अगर करना है आपको तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके नामकरण के लिए IUPAC जो नाम है, इस IUPAC नाम में हम जोड़ लेंगे एनोन शब्द, कीटोन। तो कीटोन में देखिए आ रहा लास्ट में एनोन, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ लेंगे, IUPAC नाम में एनोन शब्द जोड़ लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र का, यानी इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 CO CnH2n+1। अब कहेंगे कि इसके पहले वाला जितना भी, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, क्रिया कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में जो हम आपको बताए थे, उसमें CnH2n+1 OH CHO लिख दे रहे थे, ये वाला नहीं आ रहा था, CnH2n+1 जो इस साइड है ये नहीं आ रहा था, इसमें कैसे आ गया भाई। तो देखिए, इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कार्बन है इसके दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ रहा है, यानी आपको हाइड्रोकार्बन्स इधर भी जोड़ना है और हाइड्रोकार्बन्स इधर भी जोड़ना है, दोनों साइड जोड़ना है। तो जब दोनों साइड हाइड्रोकार्बन्स जोड़ना ही आपको, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें इधर भी आए और इधर भी आए, दोनों साइड हाइड्रोकार्बन्स को रखना पड़ेगा। तो CnH2n+1 यहां भी बीच में CO जो कीटोन का फॉर्मूला है, और उधर भी CnH2n+1, ठीक है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि भाई इसका फर्स्ट मेंबर कौन है, इसका प्रथम सदस्य कौन है। अब देखिए, इसमें कम से कम कार्बन के तीन परमाणु होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए कार्बन का कम से कम तीन परमाणु होना चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि इधर एक कार्बन का परमाणु एक तो चाहिए, यहां पे कार्बन का परमाणु एक चाहिए, और बीच में एक ऑलरेडी हो ही जा रहा है, तो इसलिए यहां पे कार्बन का तीन परमाणु, सबसे कम से कम तीन कार्बन परमाणु चाहिए। तो यानी शुरू करना पड़ेगा आपको प्रोप से, कार्बन का परमाणु जब तीन को होता है तो प्रोप आता है। अब प्रोप में आप क्या जोड़ देंगे, एनोन। तो प्रोप में जब एनोन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। तो ये जो प्रोपेनोन है, अब आइए इसका पहला सदस्य हो गया प्रोपेनोन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को समझाते हैं, चलिए सबसे पहले प्रोपेनोन को ही समझिए। ये पहला एग्जांपल हम आपको बताते हैं प्रोपेनोन के बारे में, जो इसका पहला मेंबर ही है। अब इसका अणुसूत्र कैसे लिखेंगे, प्रोपेनोन का जैसे हम अणुसूत्र आपको लिखना बता दे, प्रोप में कार्बन का तीन गो परमाणु होगा, एक परमाणु तो यहीं पर दिख रहा है, बाकी जो दो परमाणु है तो यहाँ पे एन का वैल्यू एक भर दे, यहाँ पे एन का वैल्यू एक भर दे, तो यहाँ एन के जगह पर एक भरिएगा ना, तो C और एक भरे हैं तो दो एकम दो और एक तीन, यानी CH3, फिर बीच में CO, और फिर यहां पे इनके जगह पर एक भरिएगा तो हो जाएगा C और दो एकम दो एक तीन, तो CH3। ये हो गया प्रोपेनोन का सूत्र। और इसका संरचना सूत्र बनाना एकदम आसान है, पहले CH3 का बनाइए, C और H3 है, एक दो तीन,
फिर इसके बाद CO है ना, कीटोन वाला CO, तो कीटोन का बनाना तो यहीं पे बताया हम आपको। कीटोन के लिए इस कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। फिर लास्ट में CH3 है, तो C और ये हो गया H3। तो इस प्रकार ये हो गया प्रोपेनॉन का संरचना सूत्र। आप देख सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें तीनों कार्बन परमाणु को 4-4 इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल चुका है। ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला, और हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़े, तो एक और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। ये देखिए क्या है, ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन में कार्बन का 4 परमाणु होगा, ब्यूट में कार्बन का, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन का परमाणु, तो 1 परमाणु तो यहीं पे मिल जाएगा, बाकी 3 बचा, तो 2 यहां पे रख लीजिए, 1 यहां पे रख लीजिए, तो 1 यहां पे ऑलरेडी है, 2 को यहां, 3 को और 1 ये, 4 हो जाएगा। तो यहां पे 2 रखिए, तो C2 और फिर H, 2 × 4 और 1 5, H5 और फिर CO, और यहाँ पे तो 1 ही रखना है ना, क्योंकि 2 और 1 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 1 रखिएगा, तो 1 और 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया CH3। ये हो गया ब्यूटेनोन का सूत्र। इसका संरचना सूत्र लिखना है तो पहले C2H5 का, ये देखिए C2 और H5, तो 1 2 3 4 5 C2H5 हो गया, फिर CO, तो ये हो गया C और यहाँ पे हो गया O, और फिर CH3 है, तो C और ये देखिए 1 2 3 यानी H3। तो इस प्रकार ये ब्यूटेनोन का सूत्र हो गया। अब आगे चलिए हम बताते हैं आपको तीसरा जो इसका सदस्य है ये क्या है, पेंटेनोन। क्या है, पेंटेनोन। तो देखिए पेंटेनोन में क्या होगा, पेंट में कार्बन का 5 परमाणु होता है, तो 1 परमाणु तो यहीं पे मिल जाएगा, बाकी बचा 4 परमाणु, तो 2 यहाँ रख लेते हैं, 2 यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे ना, तो हो जाएगा C2 और 2 × 4 और 1 5 C2H5, और फिर बीच में क्या है CO, फिर यहाँ भी रखेंगे 2, तो 2 × 4 1 5 हो जाएगा C2H5। तो इस प्रकार कार्बन का 5 परमाणु कंप्लीट हुआ। तो देखिएगा पहले C2H5 का बना लीजिए, C2 है और H हो गया 5A, 1 2 3, ये 4 और ये 5, फिर CO, तो ये रहा C और ये रहा O, और फिर C2H5, तो ये C और 2, मतलब 2 को C है और फिर H5, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये पेंटेनोन का संरचना सूत्र हो गया। अब आइए एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, और ये क्या है, हेक्सेनोन। तो देखिए हेक्सेनोन में क्या होगा, हेक्स में कार्बन का 6 परमाणु होता है, तो 1 परमाणु तो यहीं पे मिल जाएगा, बाकी बचा 5 परमाणु, तो 3 यहाँ पे रख लेते हैं, 2 यहाँ पे रख लेंगे, 5 हो जाएगा, यहाँ 3 रखिएगा तो हो जाएगा C3 और 3 × 6 = 7 H7 और फिर बीच में है CO और यहाँ पे 2 रखना है, तो C2 और 2 × 4 और 5 H5। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे C3H7 है ना, तो कार्बन का 3 परमाणु दे दिए, H7 है यानी 1 2 3 4 5 6 7 और फिर CO, तो C और ये रहा O और फिर C2H5, C2 दो को है और H5 यानी 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो इस प्रकार हेक्सेनोन का भी अणुसूत्र और संरचना सूत्र हम लोग लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे और भी कुछ एग्जांपल्स अगर इससे कीटोन समूह के कार्बनिक यौगिक का होगा तो उसका भी आसानी से आप अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको सिखा दिए कि कीटोन समूह के जो कार्बनिक यौगिक होगा उसका नामकरण कैसे करें, सामान्य सूत्र ये जो होता है क्यों होता है ऐसा, ठीक है, साथ ही साथ इसका पहला सदस्य प्रोपेनोन ही क्यों होता है, और इसका और जो सारे एग्जाम्पल्स हैं उसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखना बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में और जितने भी कार्बनिक यौगिक जो क्रियाशील समूह के कार्बनिक यौगिकों का जो ग्रुप बचा है उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जैसे एमिनो हो गया, नाइट्रो हो गया, ब्रोमो हो गया, तो इस ग्रुप के जो कार्बनिक यौगिक है उसको मतलब मिक्स्ड करके सारे टॉपिक्स को, मतलब ये सारे मतलब क्रियाशील समूहों को अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद क्रियाशील समूह भी खत्म हो जाएगा।